Hi friend, I am Indrajit. Today I come with a new video. So friend, in this video, I explain you about the data entry, how to create the data entry. So first of all friend, if you not subscribed my channel, please do subscribe and also press the bell icon to more videos. So friend, now I start. Suppose that friend, if you will get the work of data entry of a student, who student is recently joined the computer center, then how do you create the data entry? So friend, in this video I explain you how to create the data entry. So friend, you will watch my video till the end. If you not subscribe my channel, please do subscribe. Now I explain you in my laptop screen how to create the data entry. तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं अब अपने लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। अब लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर आने के बाद मैं MS Excel को ओपन करूँगा और आ चुका है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग ही में बताया था कि मैं एक यहाँ पर डेटा तैयार करूँगा जो कि एक कंप्यूटर क्लास का डेटा है, जहाँ पर हम लोगों को मिला था कि कुछ मतलब स्टूडेंट है जो कि ज्वाइन किए थे कंप्यूटर क्लासेस को, उसी का हम लोगों को डेटा तैयार करना है। तो दोस्तों, देख सकते हो, जैसे कि मैं पहले तो वो स्टूडेंट का नेम को यहाँ पर टाइप करूँगा, फिर उनके फादर्स नेम, फिर जेंडर, फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, फिर कोर्स, फिर फीस। ये मतलब जो चार पांच चीज़ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं वो सबको यहाँ पर टाइप कर दिया हूँ। अब टाइप करने के बाद आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर जो भी रो बी में है, जो आपको अच्छे से शो नहीं हो रहा, मतलब फादर्स केवल लिखा हुआ, उनका नेम नहीं आ रहा। तो आपको पूरा को सिलेक्ट करना है, रो ए से लेकर रो एफ तक पूरा को सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो कि एक फॉर्मेट का ऑप्शन है यहाँ पर, मतलब राइट साइड में फॉर्मेट का ऑप्शन पे जाना है और ऑटो फिट में करना है। तो जैसे आप ऑटो फिट में करोगे, पूरा मतलब आपको दिखने लगेगा प्रॉपर क्या लिखा हुआ है कॉलम में। तो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो, मैं कर लिया। अब उसके बाद आपको एक मतलब यहाँ पर हेडलाइन लिखना होगा, जैसे कि मान लो जो यहाँ पर अभी टाइप करूँगा कंप्यूटर सेंटर का जो भी नाम है उसको। तो दोस्तों, देख सकते हो मैं एक कॉलम मतलब कॉलम ए से लेकर कॉलम एफ को सिलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने के बाद मैं यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर का नाम लिखूँगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर मतलब स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर सेंटर, मतलब मान लो एक नाम दे देता हूँ, तो स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर सेंटर मैं यहाँ पर एक नाम दे दिया हूँ ये डेटा का। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर ये नाम तो मैं लिख लिया हूँ। आप चाहते हो इसका साइज को, मतलब फंट साइज को बड़ा करना, तो बड़ा भी कर सकते हो। तो दोस्तों, देख सकते हो मैं यहाँ पर, और मतलब उसका राइटिंग को चेंज करना है फ्रंट साइज का, तो राइटिंग को भी आप चेंज कर सकते हो। तो देख सकते हो दोस्तों, मैं यहाँ पर राइटिंग को चेंज कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये राइटिंग चेंज हो गया। अब अगर आप फंट साइज बढ़ाना चाहते हो तो साइज भी बढ़ा सकते हैं, अगर इसमें कलर डालना चाहते हो तो आप कलर भी डाल सकते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, जैसे कि मैं कोई भी कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कलर डाल के भी आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हो, जैसे कि मैं पूरा स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर सेंटर जो भी लिखा हो उसको मैं सिलेक्ट पूरा को करूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो कि कलर मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ। तो कलर तो इसमें हो गया। आप कलर होने के बाद यहाँ पर देख सकते हो, सेकेंड रो में देख सकते हो नेम लिखा हुआ है, फादर्स नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ जॉइनिंग है, कोर्स है, फीस है। तो बस नेम के नीचे स्टूडेंट का आपको नाम लिखना है, जो भी नाम स्टूडेंट का है। और उसके बाद बी हो गया, कॉलम बी में आपको फादर्स नेम लिखा हुआ है, तो फादर्स नेम लिखना है, फिर उसका जेंडर लिखना है, डेट ऑफ जॉइनिंग कब ज्वाइन किया था, फिर कोर्स लिखना है, फिर फीस लिखना, ये जो भी है सब चीज़ आपको। तो दोस्तों, ये सब लिखने के बाद आपको सारा चीज़ जो भी मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास स्टूडेंट का, आपको पूरा अच्छे से यहाँ पर टाइप कर लेना है। तो जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हो कि मैं स्टूडेंट का नेम में लिखा हूँ विवेक कुमार, फादर्स नेम आरके सिंह, और ये मेल है जेंडर, और डेट ऑफ जॉइनिंग इसका है 1/1/2023, और ये कोर्स लिया था DCA का जिसका रेट था 6000 रुपया। तो ये मैं मतलब ये जो भी था फीस सब मैं उसका डेटा को तैयार कर लिया हूँ। अब उसके बाद सेकेंड कॉलम में देख सकते हो दोस्तों, राहुल कुमार है जिसका नाम है, पिता का KK सिंह, मेल है, ये 2 तारीख 1st 2023 को ये भी ज्वाइन किया था। तो दोस्तों, देख सकते हो कि ये डेटा तो अब तैयार हो गया है। अब तैयार होने के बाद, जैसे कि मैं बताया था आपको, फॉर्मेट में जाना है और ऑटो फिट कर देना। तो फॉर्मेट में जाने के बाद ऑटो फिट मैं जैसे ही करूँगा, देख सकते हो दोस्तों, ये डेटा एक प्रॉपर
वे में शो होने लगेगा। प्रॉपर वे में शो होने के बाद आपको डेटा को सेव करना, अगर आप मान लो पीडीएफ में सेव करना चाहते हो तो पीडीएफ में आप सेव कर सकते हो। तो जो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूँ, सेव करने के लिए सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में देख सकते होंगे कि यहाँ पर दिख रहा है एक फ़ाइल का ऑप्शंस, तो आपको फाइल में जाना है। तो दोस्तों जैसे कि आप भी देखो, मैं अभी फाइल पे जाऊंगा और जाने के बाद मैं सेव करूंगा। देखिए मैं फ़ाइल को खोल दिया हूँ, यहाँ पर एक सेव एस का ऑप्शन आ रहा है, तो जहाँ पर आपको सेव करना है। तो मैं पीसी पे जाके डेस्कटॉप पे डायरेक्ट सेव करता हूँ। तो यहाँ पर सेव करने के लिए देख सकते हो, यहाँ पर मतलब नाम पूछ रहा है डेटा का, क्या नाम देना चाहते हैं आप, तो आप एक कुछ भी नाम दे दीजिएगा डेटा का। अगर पीडीएफ फॉर्म में सेलेक्ट करना है तो वो जो सेकंड ऑप्शन में देख रहे हैं आप, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन रहता है, उसमें से आप पीडीएफ सेलेक्ट कर लीजिएगा तो पीडीएफ फॉर्म में हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर नाम डालता हूँ डेटा ऑफ कंप्यूटर सेंटर और उसके बाद मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का डेटा तैयार हो गया। तो बस यही है दोस्तों, एक डेटा एंट्री बनाना। चलिए मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।